तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आमतौर पर जब कोई मर्डर की स्टोरी हम सुनते हैं, किसी भी क्राइम की स्टोरी हम सुनते हैं, तो उसमें तीन चार चीज़ें बड़ी कॉमन कॉमन सी होती हैं। पूरी की पूरी स्टोरी इसी पर बेस्ड होती है। पहला होता है लाश का मिलना, उसके बाद फिर पुलिस जाएगी, जाने के बाद लाश को अपने कब्जे में लेगी, उसके बाद फिर मर्डर वेपन खोजेगी या फिर मोटिव खोजेगी या फिर कातिल के पीछे भागेगी। अब बीच में चाहे पहले कातिल मिल जाए, चाहे मोटिव मिल जाए, चाहे मर्डर वेपन मिल जाए, और ये चारों चीज़ें जब मिल जाती हैं, कातिल भी होता है, मोटिव भी होता है, उसके बाद फिर मर्डर वेपन मिल जाए, उसके बाद लाश भी इम्पॉर्टेंट है, तो तमाम चीज़ें जब मिल जाएँ तो फिर पुलिस का काम ख़त्म। उसके बाद फिर मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में फिर मामला चलेगा, हो सकता है महीनों में फैसला आ जाए, हो सकता है कई सालों में आए, लेकिन फिर जो दोषी है उसके दोष के हिसाब से उसको सज़ा मिल जाएगी। और आमतौर पे इससे ज़्यादा जानकारी में हमारे आपके कुछ होता भी नहीं है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें कातिल है, लाश है, मर्डर वेपन है, मोटिव है। कातिल खुद कह रहा है कि हाँ, मैंने कत्ल किया है, अपना इकबाल जुर्म कर रहा है, बाकायदा थाने में जाके सरेंडर भी कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी पुलिस वालों के सामने कई मुसीबतें हैं। अब ये मुसीबतें क्या हैं आने वाली कहानी में आपको पता चलेगा। दरअसल आज की कहानी बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में नॉर्थ इलाके में एक जगह लगती है लागेरे, और इसी लागेरे में एक थाना है, राम गोपाल नगर थाना। वक्त 9:30 का रहा होगा, रात एकदम हो रही थी, गर्मी का महीना था, पुलिस वाले नॉर्मली अपना बैठे थे, अपने हिसाब से अपने सारे काम को दिन भर निपटा चुके थे, बस महज ड्यूटी बची थी तो वही कर रहे थे, बैठ के आराम कर रहे थे। लेकिन 9:30 बजे अचानक से एक आदमी थाने के अंदर आता है, पूरा खून से भीगा हुआ, जगह जगह शरीर पे खून के धब्बे, खून के दाग। आता है, एक सिपाही से कहता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो। अब ये बात जब सिपाही सुनता है तो अजीब मुसीबत में पड़ता है कि एक आदमी है खून से पूरा भीगा हुआ, कह रहा है कि मुझे गिरफ्तार कर लो। सिपाही भागा भागा अपने सीनियर अधिकारी यानी जो सीनियर ऑफिसर थे यस्सो, उनके पास जाता है, उनको बुलाता है, बताता है कि साहब एक आदमी आया है, ऐसे ऐसे बोल रहा। अब ये बात जैसे यस्सो सुनता है तो फिर वो भाग के आता है तो देखता है कि सामने लगभग 27-28 साल का लड़का है, एकदम खून से भीगा हुआ, खून भी मानो किसी इंसान का ही लग रहा था। फौरन पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करते हैं और पूछते हैं कि माजरा क्या है। इस पर वो बताता है कि साहब कुछ घंटे पहले मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया है, लाश जो है मेरे लागेरे वाले जो एक कमरा है मेरा जो घर है उसी कमरे में आपको लाश मिल जाएगी, आप जाइए लाश को उठा लीजिए, इकबाल जुर्म मैं कर रहा हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, बाकी आपका भी काम आसान, मेरा भी काम आसान। अब पुलिस वाले अजब मुसीबत में कि एक आदमी है एक थाने में आके ये क्या बोल रहा है, अब कहीं मजाक तो नहीं या फिर ये आदमी कोई सनकी तो नहीं, कोई पागल तो नहीं। लेकिन अब खून था शरीर पे तो पुलिस वाले फौरन भाग के इस लागेरे पहुँचते हैं, उसके कमरे पे कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर देखते हैं कि केक पड़ा हुआ है, गुब्बारे फूले पड़े हैं, जगह जगह डेकोरेशन हुआ है, फूल पूरे कमरे में बिखर रहा है और फूल से ज़्यादा खून बिखर रहा है। उसके बाद देखते हैं थोड़ा और अंदर जाके तो एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। अब लड़की को जैसे ही देखते हैं तो देखते हैं कि उसके गर्दन पे चाकू चलाई हुई है, जगह जगह उसको स्टैब्ड किया गया है, चाकू से मारा गया है। अब पुलिस वाले देखते हैं कि एक लड़की है, उसके ऊपर चाकू से हमला हुआ है, तो पुष्टि करने के लिए कि लड़की जिंदा है या फिर मर गई या फिर क्या है क्या नहीं, फौरन उस लड़की को उठाते हैं, लेके भागते हैं पास के एक हॉस्पिटल में, विक्टोरिया हॉस्पिटल। अब विक्टोरिया हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, चेक करने के बाद बताते हैं कि इस लड़की की तो मौत कई घंटे पहले हो चुकी है। अब इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लड़की के परिवार वालों को इत्तला कर दी जाती है, लेकिन अब बारी थी उस लड़के से पूछने की कि आखिर उसने कत्ल क्यों किया। अब पुलिस वाले उस लड़के के पास जाते हैं, लड़का थाने में ही बैठा था, ना कहीं भागा था, ना कहीं पुलिस वालों को मशक्कत करनी थी, ऐसा भी नहीं था कि ज़बरदस्ती करके पूछना था, मारपीट करके पूछना था, लड़का खुद ब खुद सब बताने को तैयार था। तो अब पुलिस वाले उस लड़के के सामने बैठते हैं और उससे कहते हैं कि अपनी कहानी बताओ। अब लड़का अपनी कहानी बताना शुरू करता है और इस कहानी के हिसाब से आपको चलना होगा लगभग लगभग 25 साल पहले। 25 साल पहले इस
बेंगलुरु से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक जगह है, कनकपुरा। कनकपुरा में एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनका नाम था रामकृष्ण, उनकी वाइफ थी नागारत्न। ये दोनों लोग और इनके टोटल 4 बच्चे, टोटल 6 लोग इसी कनकपुरा में रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरा, जो इंस्पेक्टर साहब थे यानी रामकृष्ण, वो रिटायर होते हैं। इधर बच्चे भी बड़े होते हैं, अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्रोफेशन को चुनते हैं, अपने हिसाब से पढ़ाई लिखाई करते हैं। और इन्हीं में से एक लड़की थी, 4th नंबर की सबसे छोटी, आर नव्या। नव्या देखने में बेहद खूबसूरत, पढ़ने में भी उतनी ही तेज तर्रार। परिवार वालों को उम्मीद थी कि ये कुछ करेगी, कुछ आगे बढ़ेगी। पिता के साथ हमेशा रहती थी, उसका अटैचमेंट भी अपने पिता के साथ ज़्यादा था। उसकी दिलचस्पी भी थी कि वो पुलिस महकमे में जाए, पुलिस महकमे में अपनी ड्यूटी करे, अपना काम करे। नव्या धीरे धीरे बड़ी होती है और इसी बीच नव्या के घर उसका एक दूर का रिश्तेदार, जो रिश्ते में कायदे से कहा जाए तो उसका भाई ही लगता था, टीडी प्रशांत। अब नव्या के घर टीडी प्रशांत भी आए दिन आता, उम्र में महज 2 से 3 साल का अंतर। अब इधर नव्या भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, उधर प्रशांत भी बड़ा ही था, तो जाने अनजाने में दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ा दोस्ती में, दोस्ती फिर धीरे धीरे प्यार में बढ़ी। अब सबके आगे तो इन दोनों का जो रिश्ता था भाई बहन जैसा था, जो कि दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा, इधर जो ये इंस्पेक्टर साहब थे वो रिटायर हो चुके थे, इधर नव्या की पढ़ाई लिखाई, पहले हाई स्कूल हुआ, फिर इंटर हुआ, फिर ग्रेजुएशन हुआ, और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार। और इस बात का अंदाज़ आप इसी से लगा सकते हैं कि जैसे जैसे नव्या बड़ी हुई, लगभग 21-22 साल की उम्र में ही एक डिपार्टमेंट है पुलिस में, इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ISD, इसी इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में क्लर्क की जो नौकरी है वो नव्या को मिल जाती है। परिवार वाले एकदम खुश। इधर इसका बॉयफ्रेंड जो था टीडी प्रशांत, वो भी वहीं बेंगलुरु में एक कंपनी है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है, पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया, उसी इंडस्ट्रियल एरिया में बाकायदा ये जाता है, नौकरी के लिए अप्लाई करता है। वहाँ पर इसको नौकरी मिल जाती है, तो एक मकान भी ये ले लेता है, वहीं से रह के ये नौकरी करता। इधर नव्या भी अब नौकरी कर रही है, अपना जो इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उस पर बाकायदा इसकी जॉब चल रही है। पैसे भी अब ठीक ठाक थे, सारी चीज़ें ठीक ठाक थी। और कहते हैं कि जो नव्या और प्रशांत का रिलेशनशिप था, टोटल कई सालों से चल रहा था, यानी इंटर के पहले से ही, जब लगभग 18-19 साल की नव्या रही होगी, तब से ही प्रशांत और नव्या का रिलेशनशिप हो चुका था। अब इस बारे में ना परिवार को कोई जानकारी, ना ही इसके प्रशांत के परिवार को कोई जानकारी। अब इसके बाद जब ये दोनों जाते हैं बेंगलुरु में ही नव्या की नौकरी लगी थी, इधर प्रशांत की भी नौकरी बेंगलुरु में ही लगी थी। तो फिर जब इन दोनों ने मकान ले लिया, मकान तो कायदे से इसने प्रशांत ने ही लिया था, तो फिर जितनी सारी दिक्कतें थी इन दोनों के बीच की, मिल नहीं सकते, जब चाहे तब साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, ये तमाम दिक्कतें अब सुलझ चुकी थी। उसी कमरे में, उसी घर में जब चाहते तब ये नव्या और प्रशांत मिलते, जब चाहते एक दूसरे के साथ टाइम बिताते। ड्यूटी का बहाना करके नव्या निकलती, लेकिन फिर चली जाती अपने बॉयफ्रेंड के रूम पे। इधर ये भी एक आध दो दिन की छुट्टी मांग लेता, और यहाँ भी इसकी छुट्टी मंजूर हो जाती, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते। धीरे धीरे वक्त गुजरा, रिलेशनशिप के बारे में भले ही किसी को पता ना हो, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई, एक दूसरे के साथ शादी करने का वादा किया। सारी चीज़ें ठीक चलती रहीं, इन दोनों के बीच मुलाकात, इन दोनों के बीच सारी चीज़ें लगातार होती रहीं। लेकिन एक दिन ऐसे ही जो प्रशांत था वो बैठा हुआ था, नव्या भी बैठी हुई थी, दोनों कमरे में अकेले थे, और इसी बीच नव्या के मोबाइल का एक मैसेज आता है। अब मैसेज आता है तो नव्या अचानक से मोबाइल को स्विप कर देती है, टर्न कर देती है। अब ये बात जब प्रशांत देखता है तो उसे बड़ा अजीब लगता है, कहता है कि ऐसी कौन सी बात थी, आखिर ऐसा कौन सा मैसेज था कि मेरी ही गर्लफ्रेंड मुझसे इस तरह से छुपा रही है, इस तरह से टर्न कर रही है, चेहरे की उसकी हवाइयाँ उड़ गई हैं। लिहाजा कुछ कहता नहीं, चूँकि भाई उसकी गर्लफ्रेंड थी, बहुत प्यार था, उसे लगा कि कहीं मैं पूछूं और कुछ ऐसा ना निकले और नव्या को बुरा लग जाए, इसलिए बैठ के बाकायदा इंतज़ार करता है। उसके बाद फिर नव्या किस्मत से उठती है, उठने के बाद वॉशरूम जाती है। अब इधर नव्या वॉशरूम गई, इधर जो प्रशांत था उसके मोबाइल को ओपन करता है,
जाहिर सी बात है इन दोनों ने पासवर्ड वगैरह शेयर किया था। तो जैसे ही मोबाइल ओपन किया तो देखता है कि किसी लड़के से नव्या चैट कर रही है। अब ये बात जैसे ही देखता है तो प्रशांत का जो गुस्सा था मानो सातवें आसमान पे कि एक दूसरे लड़के से मेरी गर्लफ्रेंड चैट कर रही है, इसके साथ तो मैंने शादी करने की और तमाम ज़िंदगी जीने की कस्में खाई हैं और ये दूसरे से चैट कर रही है। अब इसके बाद फिर वो इंतज़ार करता है, नव्या वॉशरूम से लौट के आती है। नव्या के आने के बाद वो पूछता है कि ये लड़का कौन है। जैसे ही लड़के के बारे में पूछता है तो नव्या गुस्सा हो जाती है, चिल्लाने लगती है, कहती है तुम मेरा फ़ोन क्यों छुए, उसका लॉक क्यों ओपन किया। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, प्रशांत बार बार क्वेश्चन कर रहा है, नव्या बार बार इधर उधर की बातें कर रही है। थोड़ी देर तक ये झगड़ा ये लड़ाई चली और फिर नव्या कहती है कि तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना, तुम्हारे साथ मिलने आओ तो तुम मूड ख़राब कर देते हो। और उसके बाद अपना फ़ोन उठाती है, अपना पर्स उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अब इधर नव्या चली गई, इधर प्रशांत का गुस्सा सातवें आसमान पे। अब ये बार बार नव्या को फ़ोन कर रहा है, बार बार मैसेजेस कर रहा है, बार बार मिलने जा रहा है और हर बार सेम क्वेश्चन कि वो लड़का कौन है, तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम किसी और लड़के से बात कर रही हो। अब ये चीज़ें लगातार चलती रही, नव्या अपना बचाव करती रही, अपने आप को पीछे हटाती रही। लेकिन जब काफ़ी टाइम गुजर गया और ये जो प्रशांत था बार बार नव्या को पूछ रहा है कि वो लड़का कौन था, तुम किससे बात कर रही हो, तुम मुझे धोखा दे रही हो, फिर कहता है तुम्हें फ़ोन नहीं चलाना, तुम्हें कीपैड फ़ोन चलाना है, तुम एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाओगी, तो इतना ओवर प्रोटेक्टिव और इतना ओवर पोजेसिव ये प्रशांत हो गया कि फिर नव्या को लगा कि ऐसे तो अब मामला नहीं बनेगा। नव्या परेशान हो जाती है, परेशान होने के बाद चली जाती है पुलिस स्टेशन और इस प्रशांत के खिलाफ आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करती है, कंप्लेन करती है कि ये जो प्रशांत है मुझे परेशान कर रहा है, मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, भले ही मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ लेकिन जिस हिसाब से मेरे साथ ट्रीट कर रहा है ऐसा ट्रीट करना नहीं चाहिए। अब मामला एक लड़की का था, लड़के का पक्ष कमज़ोर, पुलिस वाले फौरन ही इस प्रशांत को बुलाते हैं। बुलाने के बाद इससे पूछते हैं कि क्या बात है। प्रशांत बेहद झुंझुलाते हुए बताता है कि ये लड़की है मुझे चीट कर रही है, मुझे धोखा दे रही है। तो फिर हमारे जो संविधान है, जो हमारी IPC है, जो हमारी CRPC है, इन दोनों किताबों में, इन दोनों ग्रंथ जो हमारा संवैधानिक ग्रंथ है, इसमें कोई ऐसी धारा, कोई ऐसा प्रावधान तो है ही नहीं जिसमें गर्लफ्रेंड अगर चीट कर रही है, बॉयफ्रेंड किसी और से बात कर रहा है तो उस पर कोई सजा का प्रावधान हो। तो पुलिस वाले भी उसे समझाते हैं कि भैया इसमें कुछ हो नहीं सकता, आप एक काम करो, आप इससे दूरी बना लो। और नव्या को भी समझाते हैं कि आप इससे दूरी बना लो, दोनों के बीच दूरी बनी रहेगी तो न झगड़ा होगा न लड़ाई होगी। अब काफ़ी समझाने के बाद पुलिस वाले थोड़ा सा डराते धमकाते भी हैं, तो नव्या और प्रशांत पुलिस वालों के सामने कहते हैं कि ठीक है हम दूर रहेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। अब यहीं से कहानी के दो पहलू स्टार्ट होते हैं। पहला पहलू जो ये खुद थाने में बैठ के बोल रहा है, उसके हिसाब से थोड़े टाइम बाद नव्या वापस लौट के खुद फ़ोन करती है, खुद सामने से मिलती है, कांटेक्ट करती है, कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब जब ये बात नव्या बोलती है तो प्रशांत का तो पहले से बहुत गहरा प्यार था, प्रशांत भी मान जाता है। मानने के बाद फिर कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ रहो, मेरे से बात करो। अब दोबारा ये दोनों फिर से पैचअप कर लेते हैं। पैचअप करने के बाद आए दिन अब नव्या टॉन्ट मारती है कि किस हिसाब से तुमने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, किस हिसाब से तुमने मुझे टॉर्चर किया, इतना परेशान कर दिया कि मुझे थाने जाना पड़ा, इतना परेशान कर दिया कि मैं घर से निकलने से पहले मोबाइल को साइलेंट कर लेती थी कि कहीं तुम्हारा फ़ोन पब्लिक प्लेस पे ना आने लगे। अब ये चीज़ें जब लगातार नव्या टॉन्ट मार रही थी और इसी बीच समय गुजरता गया और एक डेट आती है 11 अप्रैल साल 2023। 11 अप्रैल साल 2023 को नव्या का जन्मदिन आता है। अब बर्थडे आया तो नव्या अपने परिवार के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों यारों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। अब इस रिलेशनशिप के बारे में न नव्या के पिता को पता, न नव्या की माँ को पता, तो ऐसे मौके पे नव्या प्रशांत को बुला नहीं सकती थी। इसलिए फिर 3 दिन बाद जो प्रशांत और नव्या थे फिर से फैसला करते हैं कि बर्थडे पार्टी एक बार फिर से की जाए, और ये बर्थडे पार्टी फिर से उसी प्रशांत के घर पर होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के साथ बर्थडे पार्टी मनाएंगे।
अब प्रशांत जब ये बात सुनता है तो प्रशांत एकदम खुश कि चलो गर्लफ्रेंड नाराज़ थी, उसको मनाने का, उसको समझाने का एक मौका मिला, अब इसके साथ एक अच्छा सा बर्थडे गुजरेगा। लिहाजा प्रशांत पैसे वगैरह इकट्ठा करता है, केक ऑर्डर करता है, पूरे कमरे को बढ़िया बैलून से, अलग अलग कलर से, उसके बाद पेटल्स और तरह तरह की डेकोरेशन वाली चीज़ें, हैप्पी बर्थडे वाला पैम्पलेट, ये सारी चीज़ें ला के पूरे घर को खूब बढ़िया से सुबह सुबह सजा देता है। सजाने के बाद फिर खाना वगैरह ऑर्डर कर देता है, बता देता है कि 12 बजे मुझे डिलीवरी चाहिए। इसके बाद फिर 10-10 बजे के आसपास नव्या अपने घर से ये कहते हुए निकलती है कि मैं ड्यूटी पे जा रही हूँ। ये ड्यूटी पे जाती है और ड्यूटी पे न जाते हुए पहुँच जाती है प्रशांत के घर। प्रशांत के घर नव्या पहुँचती है, पहुँचने के बाद ट्रायल रूम में जाती है, वहाँ पे कपड़े चेंज करती है, खूब जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा सजती है, संवरती है। बेसिकली प्रशांत भी यही चाह रहा था कि नव्या की नाराज़गी दूर हो जाए, इसलिए खूब बढ़िया डेकोरेशन की व्यवस्था थी। इधर नव्या चाह रही थी कि प्रशांत का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए, इसलिए नव्या भी खूब अच्छे से तैयार हो रही थी। सारी चीज़ें हुई, केक आया, इन दोनों ने केक काटा, खाना आया, इन दोनों ने खाना खाया, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें हुई, म्यूजिक बज रहा था। लेकिन इसी बीच नव्या के मोबाइल पे फिर एक मैसेज आ जाता है। अब नव्या के मोबाइल पे फिर से एक मैसेज आया, फौरन प्रशांत वो आवाज़ सुनता है नोटिफिकेशन का। अब प्रशांत जैसे ही आवाज़ सुनता है तो फिर पूछता है कि कौन है। नव्या फिर इधर उधर की बातें करती है, कहती है एकदम फिर शुरू हो गए, लेकिन प्रशांत इस बार बहुत सीरियस था। एकदम सीरियसली प्रशांत पूछता है कि कौन है, मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए। तो नव्या फौरन अपना मोबाइल लेती है, मोबाइल लेने के बाद उठती है, उठ के चली जाती है वॉशरूम। वॉशरूम में जाती है और इधर जो प्रशांत था वो अपना मोबाइल उठाता है, अपना मोबाइल उठाता है, उठाने के बाद व्हाट्सएप ऑन करता है और नव्या की लास्ट सीन चेक करता है उसकी प्रोफाइल खोल के। अब जैसे ही लास्ट सीन चेक करता है तो देखता है कि नव्या ऑनलाइन यानी बाथरूम में बैठ के नव्या किसी से चैटिंग कर रही थी। अब ये बात जैसे ही प्रशांत सुनता है तो उसका गुस्सा तो मानो सातवें आसमान पे, कि इतने टाइम पहले फिर से इसी बात पे झगड़ा हुआ था, ये फिर से मेरे पास आई कि मैं सुधर गई हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती, फिर से ये वॉशरूम में बैठ के किसी से चैटिंग कर रही है। तो फौरन ही प्रशांत वॉशरूम का दरवाज़ा पीटने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, नव्या से कहता है कि बाहर आओ, मुझे बात करनी है, मुझे तुरंत बात करनी है। एक दो मिनट में नव्या बाहर आती है, पूछती है कि क्या हुआ, तो फौरन बताता है कि तुम ऑनलाइन क्यों हो। अब इसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा होने लगा, नव्या भी उल्टा चिल्लाने लगी, ये अलग चिल्ला रहा है। और काफ़ी देर जब ये झगड़ा चलता गया तो गुस्से में ही जो प्रशांत था वह किचन में जाता है, किचन में जाने के बाद चाकू लाता है और वो चाकू नव्या के गले पे फिरा देता है। नव्या के गले पे चाकू चला जाता है, उसके बाद ताबड़तोड़ नव्या के शरीर पे वार करता है। थोड़े टाइम में नव्या की मौत हो जाती है। और ये बात हो रही है 14 अगस्त साल 2023 लगभग 2:30 बजे दोपहर की। अब नव्या की सांसें उखड़ उखड़ के चल रही हैं, बाकायदा कुर्सी पे ये बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है 2:30 से 3 बजे, 3 से 4 बजे, 4 से 5 बजे, 6 बजे। कमरे में लाश पड़ी है, खून पूरे फर्श पे बह रहा है, आराम से बैठा है, बैठे बैठे कुछ सोच रहा है। सोचने के बाद ये फिर से बाहर आया अपने कमरे के, अपने घर के बाहर आया, और उसके दिमाग में आया कि अब कुछ जुगाड़ देखते हैं, अब कत्ल तो हो गया लेकिन अब लाश ठिकाने लगाते हैं। अब बाहर आता है तो देखता है कि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे, अलग अलग घरों पे सब लोगों ने कैमरे लगवाए। फिर इसे लग गया कि अब लाश ठिकाने नहीं लगाया जा सकता, लाश ठिकाने लगाने जाएंगे और नव्या वैसे भी पुलिस महकमे से जुड़ी हुई है तो पुलिस वाले खोज लेंगे, मेरे घर का लोकेशन निकलेगा, उसके बाद दिख जाएगा कि लाश लेके मैं जा रहा हूँ। तो फिर अब लाश ठिकाने नहीं लगाया जा सकता तो फिर अब क्या करूँ। तो फिर इसके दिमाग में आया कि चलो भाग जाता हूँ, कहीं जाके छुप जाऊँगा। लेकिन इसे बखूबी पता था कि पुलिस वालों से ज़्यादा दिन भागना, ज़्यादा दिन छुपना शायद सही तरीका नहीं है, ज़्यादा दिन भागना पॉसिबल भी नहीं है, पुलिस वाले खोज ही लेंगे। तो फिर अंत में इसे लगा कि अब क्या करें, क्या करें, क्या करें। तो इधर जब इसे कुछ समझ नहीं आया तो 9:30 बजे ये पहुँच जाता है इस रामगोपाल नगर थाने में और अपनी आप को पुलिस के हवाले कर देता है। अब ये तो रही वो कहानी जो ये खुद सुना रहा है सरेंडर करने के दौरान,
लेकिन अब इस चीज में, इस घटना में कई पहलू हैं। क्या नव्या ने खुद से अप्रोच किया था? और ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें जब बाद में ये मामला कोर्ट में जाएगा तो अपने आप में बड़ा अहम रोल अदा करेंगी उस सामने वाले की सज़ा में, उसको क्या क्या सज़ा मिलती है, वो चीज़ें मैं आपको अभी धीरे धीरे बता रहा हूँ। अगर नव्या ने खुद अप्रोच किया तो फिर वो चीट क्यों कर रही थी दोबारा, फिर लड़के से बात क्यों कर रही थी? और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर ये मर्डर हीट ऑफ द मोमेंट था कि गुस्से गुस्से में झगड़ा हुआ, इसने मारा उसने मारा, उसी बीच चाकू उसके हाथ में आया, उसने कत्ल कर दिया, तो ये तो हीट ऑफ मोमेंट हो गया। इसमें हो सकता है कि पुलिस वाले या फिर जो कोर्ट है थोड़ा सा नर्म रुख अपनाएं। लेकिन अगर ये प्लान, यानी अगर इस प्रशांत ने ये जो कत्ल था इसको पहले से प्लान किया हो कि मैं नव्या को मनाऊंगा, इसको मना के अपने कमरे पे लेके जाऊंगा, उसके साथ केक काटूंगा, केक काटने के बाद फिर इसका कत्ल करूंगा, तो फिर अगर ऐसी चीज़ है तो इसमें सज़ा का एक अलग प्रावधान है। चूँकि प्री प्लान्ड मर्डर और ऑन द स्पॉट मर्डर, इन दोनों में जो कानून का नज़रिया है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अगर कोई मुजरिम हो, वो गायब हो, पुलिस वाले उसको ढूंढें, मोटिव ढूंढें, उसके बाद वेपन ढूंढें, तो मामला थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जब कातिल खुद सामने आके अपना एक बाले जुर्म करे तो ऐसे केस में मजबूरी ये होती है कि फिर कातिल जो कहानी बताएगा आपको उस पर यकीन करना होगा। क्योंकि जब कातिल सामने होता है तो पुलिस वाले हाथ पांव थोड़ा सा कम मारते हैं, मोटिव के पीछे बहुत ज़्यादा भागते नहीं, यहाँ पे तो मोटिव भी था। तो ऑन द स्पॉट कत्ल हुआ या फिर प्री प्लान्ड था, ये भी खोजना पुलिस वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने जितने भी जानवरों की खोज की उन सारे जानवरों को इसने खा लिया, यानी उसे एक शौक थी कि जिस जानवर को मैं देख रहा हूँ उसका स्वाद कैसा है। तो इस सवाल का सही जवाब है चार्ल्स डार्विन। और ये आंसर सही से केवल एक लोग दे पाए हैं और इनका नाम है मेडिसिन ज्ञान। तो मेडिसिन ज्ञान जी, आपको लाख लाख शुभकामनाएं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और चार्ल्स डार्विन का यह सिद्धांत था कि जितने भी जानवर हैं, और ऐसा अकेला नहीं है, चार्ल्स डार्विन भी हैं इसमें से कुछ हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग हो गए, वो भी ऐसी चीज़ के बहुत बड़े शौकीन हैं कि जितने जानवर हैं उनको मैं टेस्ट करूं, उनको खाऊं, उनका स्वाद पता करूं कि कैसे होता है, क्या होता है। तो कई ऐसे लोग हैं, सबके अलग अलग शौक हैं। अब आते हैं आज के सवाल पे। और आज का मेरा सवाल है, ये सवाल बड़ा लाजमी है, आप लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर सूरज और पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा की साइज की बात करें तो जितना बड़ा सूरज है उसका अगर 400वां हिस्सा करें, यानी 1/400, तो उतना ही एरिया होता है चंद्रमा का, यानी चंद्रमा से सूरज 400 गुना ज़्यादा बड़ा है। लेकिन इसके बावजूद जब हम आसमान में देखते हैं तो सूरज और चंद्रमा सेम साइज के दिखाई देते हैं, बिल्कुल अंतर नहीं लगता, बहुत थोड़ा सा माइन्यूट अंतर लगता होगा, लेकिन साइज के हिसाब से तो फिर कम से कम 2-3 गुने का अंतर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो इसके पीछे का क्या कारण है? साइज में 400 गुने का अंतर होने के बावजूद साइज सेम दिखता है। तो अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिए, कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। अब तक अच्छी रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।